तो आपको काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, 15 से 20 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखे, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, इसे हमें फुल साइज कर देना है। और इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है, क्योंकि वीडियो हमारा जो यहाँ पे 14 से 15 सेकेंड के ही चाहिए। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और फोटो को आपको इस तरह से रोटेट कर देना है। और इसके बाद इसको बिल्कुल सेंटर में आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। तो इसको मैं ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ और आपको फ़ोटो को काफ़ी ध्यान से एडजस्ट आपको करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। इस पर क्लिक करना है और इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद डन कर देते हैं। वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। जो फोटो आपको काफ़ी ध्यान से आपको यहाँ पर एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो फोटो इसके बाद आपको ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अदर सॉन्ग भी ऐड करना चाह रहे तो कोई भी सॉन्ग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है।